बीजेपी पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। बढ़ते आगे लखनऊ के माहौल की बात करते हैं जो पूरी तरह से शांत है। और इसी बीच एसएसपी और डीएम वहां लखनऊ में ईदगाह पहुंचे, वहां जाकर मुस्लिम धर्मगुरुओं से उन्होंने बातचीत की है, मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान डीएम और एसएसपी दोनों ही मौजूद नजर आए। मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात करते हुए पुलिस की हर संभव ये कोशिश कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को शांत रखा जा सके। उन्हें दरअसल ये नागरिकता संशोधन कानून है क्या वो बताया जा सके, ताकि लोगों को भ्रमित ना होने दिया जाए। अगर कोई शख्स आकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को डराने की कोशिश करे, उन्हें भड़काने की कोशिश करे कि इस कानून के तहत आपको देश से बाहर कर दिया जाएगा, ये बताने की कोशिश करे, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि ये कानून है क्या, ताकि वो ऐसे लोगों के बहकावे में ना आ सके और बहकावे में आते हुए प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर ना उतर सके। ऐसे में लगातार शांति और सौहार्द के माहौल को बनाए रखने की अपील भी मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से की जा रही है, चाहे वो डीएम हो चाहे वो एसएसपी हो।